संविधान हत्या की स्मरण चाहिए। कितनी निर्लज्जता वाली हरकत होगी ये अपनी राजनीतिक लाभ के लिए संविधान जो कि इमोर्टल है सरकार तो ऐसी करती रहती है लेकिन संविधान की हत्या नहीं कर सकते। संविधान की हत्या होगी, हत्या दिवस मनाने फिर किसके देश चल रहा है आप किसके, अगर आप 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने लग जाएंगे तो किसके नाम पे अभी देश चलाएंगे आप? अयोध्या में 500 लोगों की हत्या करने वाले संविधान की हत्या का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे आप, नहीं समझ। अरे आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता है, आपने तो 500 लोगों को मरवा दिया, आपको क्या फर्क पड़ेगा? संविधान की हत्या हो चाहे 500 आदमियों की हत्या हो, ऊपर से ये बोलना कि हम और गोलियां चलवाएंगे, हत्या होता तो आपके लिए राजनीतिक खेल है। न जान की कीमत, न संविधान की कीमत, न सिद्धांतों की कीमत। ठीक है, और बेशर्मों की तरह आपने कांग्रेस से हाथ मिला के सरकार में बैठी है। मुलायम सिंह यादव को जो जान बचाने के लिए भाग रहे थे वो उनके पुत्र अखिलेश यादव जी कांग्रेस के साथ हाथ मिला के बैठे हुए हैं सत्ता लोलुपता में। कहाँ गए आपके सिद्धांत? ये समाजवादी सिद्धांत है। एक समाजवादी सरकार के छत्ते के नीचे आकर के उत्तर प्रदेश का नेता एक ऐसे पार्टी के नीचे काम करे और आप संविधान की रक्षा की बात करती हैं। लेकिन 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 ए के मिश्रा जी 24 का जो जनादेश है, 24 का जो जनादेश है वो अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है और शायद इसी संदेश को डिकोड करना चाहती है बीजेपी। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी जुड़ गए हमारे साथ में, बहुत स्वागत है सर आपका, मैं आप ही के पास आऊंगी सर इसी के साथ में। देखिए संविधान हत्या दिवस जिसको लगातार समाजवादी पार्टी कह रही है कि संविधान एक चलायमान आत्मा की तरह, उसका हत्या दिवस कैसे मनाया जा सकता है? क्या इसको एक तरीके के कदम के तौर पर ना देखा जाए कि कांग्रेस के जो कृत्य हैं या पर्टिकुलर किसी पार्टी के जो कृत्य हैं उनको बार बार जहन में जीवित रखने के लिए इस तरीके का इनिशिएटिव किया जा रहा है, क्योंकि अपोजिशन यही आरोप लगा रहा है आपके ऊपर। पूजा जी, जी मैं 4 साल का था, पिताजी 21 महीने के लिए जेल गए थे।